पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम कथा मंचन समिति की ओर से रामलीला मैदान लाजपत नगर में चल रही रामलीला में ब्रजलोक लीला संस्थान के कलाकारों के मंचन ने मन मोह लिया। उन्होंने दर्शाया कि राजा मनु दरबार में मंत्रियों के साथ बैठे हैं, उन्हें वैराग्य जागृत होता है और वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राजपाट छोड़कर रानी सत्यरूपा के साथ वन में तपस्या करने चले जाते हैं। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए साधना में लीन हो जाते हैं। भगवान नारायण उनसे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। मनु भगवान नारायण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वर मांगते हैं। अगले जन्म में वो राजा दशरथ और रानी सत्यरूपा कौशल्या बनती हैं। उधर रावण कैलाश पर्वत पर अपने तीनों भाइयों के साथ तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। वो रावण को अमरता, कुंभकर्ण को निद्रासन और विभीषण को प्रभु भक्ति का वरदान देते हैं। इसके बाद रावण दिग्विजय की यात्रा पर निकल जाता है और लंका पहुंचता है। व्यवस्था में महेशचंद अग्रवाल, विनोद सक्सेना, मुकुल बंसल, श्याम कृष्ण रस्तोगी, राजेंद्र खन्ना के साथ और भी लोग मौजूद रहे। सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और तब के प्रभाव से ही वह भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संहार करते हैं। तब के प्रभाव से ही वह हजार मस्तक वाला शेषनाग इस पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर सहन करता है। ये तब का ही प्रभाव है। इसलिए तुम्हें अपार वैभव चाहिए, अपार ऐश्वर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, मन चाहिए, वस्तु चाहिए, तो तुम भी तपस्या करो। तब के लिए कोई वस्तु अदेह नहीं है, अपितु सभी वस्तु सहज में ही सुलभ हो जाती है। तो भाई कुंभकर्ण ऐसा आज मेरे मन में तपस्या करने का विचार हो रहा है, आप लोगों की क्या सम्मति है? आप लोग अपने उद्गार व्यक्त करो, क्या करना है आप लोगों को? भाई साहब, यह तो आपके बड़े ही उत्तम विचार हैं और आपके साथ हम भी तपस्या करना चाहते हैं। बोल शंकर भगवान। वाह वाह जय। आप वरदान मांगे कर विनीत पद गए तस सीसा, बोले उपचन सुनहु जगदीसा। बोले ब्रह्मदेव भगवान की, ध्यान टूट गया जैसे ही ब्रह्मा जी ने आवाज लगाई प्रणाम करके। आप जगदीश सृष्टि रचेता जगत पिता ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी मुझे दर्शन दे रहे हैं। हाँ ऐसा ही कहते। मैं विश्वा का पुत्र, पुलस्त मुनि का नाती, दशग्रीव रावण, आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आयुष्मान भव। आज आपका दर्शन मेरी आंखों का मंबीरा हो गया, मैं एक चरने से अनमोल ही हो गया। सब देवता और ये मानव दानव क्यों नहीं बलिहार हो, जब इस प्रकार से स्वामी और सेवक दो चार हो।